यूं तो स्नान करना या ना करना इंसान की अपनी मर्जी है, परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान से जुड़ी कई क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसे व्यक्ति को कब स्नान करना चाहिए या फिर किस समय स्नान करने से व्यक्ति अपना धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ खो देता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज स्नान करने वाले व्यक्ति कैसे अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं, वहीं दूसरी ओर रोज स्नान ना करने वाले व्यक्ति को कैसे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में परमपिता ब्रह्मा जी गरुड़ को स्नान से होने वाले अनेक लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल उठने के पश्चात बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने से कोई फल नहीं मिलता। यहाँ तक कि बिना स्नान किए हुए धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को गरुड़ पुराण में पापी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना मनुष्य का धर्म माना गया है और उसके बाद ही व्यक्ति को धार्मिक कार्य करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं, बिना स्नान किए अपने नए दिन की शुरुआत करने से मनुष्य का कोई भी काम नहीं बनता है, क्योंकि स्नान न करने के कारण व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां घेरा बना लेती हैं जो अपवित्रता को उजागर करती हैं। जैसे आपके मन में बुरे विचार आना, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। साथ ही रोज स्नान न करने से अलक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। अलक्ष्मी निर्धनता का कारण बनती है, जिससे व्यक्ति गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है तो उसका किसी भी काम के प्रति मनोबल बड़ा रहता है, साथ ही अनेक बुरे विचार से होने वाला पाप भी धुल जाता है, जिससे मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्त होकर कर पाता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में नहाने के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन स्नान करने का सबसे बेहतर तरीका है सबसे पहले पांव पर पानी डालकर कंधे या फिर सर पर पानी डालना होता है। यही कारण है कि पौराणिक समय में मनुष्य नदी या तालाब में स्नान करते थे। किसी नदी या तालाब में पहले हमारे पांव भीगते हैं, फिर बाकी शरीर भीगता है, और स्नान की यह विधि सबसे उत्तम विधि मानी गई है। साथ ही गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है और स्नान करते समय गायत्री मंत्र एवं स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करता है, वह व्यक्ति यशस्वी कहलाता है, जिससे उसको सफलता के साथ यश की भी प्राप्ति होती है। वैसे तो मन की स्वच्छता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन को स्वच्छ रखने के साथ साथ इंसान को अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता मनुष्य का धर्म है। साथ ही स्वच्छ मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से भी बचा रहता है, इसलिए हमें सुबह उठकर अपने नियमित कार्य करने के पश्चात सबसे पहले स्नान करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।